Hello Malika, welcome to Times of India. Thank you so much. And how are you doing? Great, great. Sitting home, just packed up an hour. Okay. So, you know, lockdown ke baad phir se shooting shuru hui hai. Kis tarike ki nervousness hai, excitement hai? What is the feeling right now? एक्साइटमेंट भी है और उससे कहीं ज़्यादा नर्वसनेस भी है क्योंकि जो आपको पता है जो सिचुएशंस हैं अभी जो दौर चल रहा है सो अभी वी आर हैप्पी कि शूट शुरू हुआ है बट एट द सेम टाइम हम प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं और जितनी लें उतनी कम है सो हम ऐसे घर पे भी नहीं बैठ सकते वी ऑल हैव टू वर्क एंड मूव अहेड सो अभी शूट शुरू हो गया है और पहले से कृष्ण अर्जुन की नई गाथा आरंभ हुई है सो और ज्यादा मेहनत है लाइक आर्टिस्ट जो अभी शूट कर रहे हैं और ज्यादा एक्टर्स हैं ऊपर से एक है जिसमें सिंगल यूनिट में आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फुटेज देनी है सो इट्स वेरी डिफिकल्ट मास्क पहनना कंपल्सरी हो गया है सैनिटाइजिंग मशीन लग रही है पीपी किट आपको जहाँ एसी फ्लोर्स हैं वहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं होती बट यहाँ पर तो बहुत ह्यूज सेट्स है तो यहाँ पर एसी फ्लोर्स नहीं हो सकते तो इतनी गर्मी पूरा दिन आपको वो फॉलो करना वो रूटीन इट्स वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल पीपल आर शूटिंग एंड मेकिंग इट लुक ग्रैंड इतने कम लोग अच्छे से शूट कर रहे हैं विच वॉज अनएक्सपेक्टेड थैंक्स टू द डायरेक्टर्स एंड आवर टीम सो आप लोग यू नो वैसे भी आप लोग पहले भी शूट खत्म होने के बाद सेट पे ही अक्सर रहते थे तो वो स्पेस में तो ज्यादा चेंजेस नहीं आए क्योंकि अभी भी आप लोग वहीं रह रहे हैं Of course, रहे तो यहाँ रहे हैं बट अभी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है हम पहले साथ बैठ के खाना खाते थे अब अवॉइड करते हैं जहाँ हो सकता है बेशक शूट कम हो रहा है बट लोग कम हो गए हैं और कम लोग बहुत बर्डन ज्यादा हो गया है काफी मुश्किल है बट दे आर एडजस्टिंग एनी हाउ एंड शूटिंग इट्स अ ग्रेट थिंग ये आइसोलेशन कितना टफ है क्योंकि पहले ऐसा होगा कि जो भी फ्री एक्टर्स एक दूसरे के मेकअप रूम में चले गए एक दूसरे के रूम में बैठ के गप्पे मार लिए लंच साथ में कर लिया तो एटलीस्ट फैमिली से दूर रहकर भी एक अपनापन सा रहता था बट अब क्योंकि यू नो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करना है यू हैव टू यू नो फॉलो द गाइडलाइंस तो वो यू नो लोनलीनेस फील होता है कभी कभी एक्चुअली अभी ये 3 महीने घर पे रहने के बाद इफ यू स्टिल गेटिंग टू वर्क ना सो इतना बुरा नहीं फील होता जो 3 महीने हम सब ने गुजारे हैं घर पे फाइनली एटलीस्ट वी आर वर्किंग एंड दैट्स व्हाट The great thing is, thanks to God for that. And we all try to be positive and avoiding the negativity around. So, हम सबको हमें पता है हमें follow करना है कहीं ना कहीं लगता है अजीब लगता है कि social distancing आ गई है सबको अभी precautions लेनी है no matter what. So, बड़ा मुश्किल था but अभी adjust हो रहे हैं धीरे धीरे सब and we're all understanding that it's the new norm. So, Also, you know, Malika, I have been at the launch of the show, जब मथुरा में शो लॉन्च हुआ था तब से अब तक मैं जो आप में बदलाव देख रही हूँ वो ट्रेमेंडस है यू हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्योंकि आपका डेब्यू शो था सो आई कैन सी दैट यू नो डे वन से लेके अब तक का वो चेंज मुझे दिख रहा है आपसे बात करते हुए आपको अगर खुद यू नो डिस्क्राइब करना हो हाउ इवॉल्व्ड एज अ पर्सन और एज एन एक्टर यू हैव बिकम ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ राधा कृष्ण एक्चुअली आई रिमेम्बर इनिशियली जब मैं शूट करना शुरू हुई थी आई वॉजंट अवेयर कि ये भी स्टेजेस होती हैं जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब आपको इंटरव्यूज देने होते हैं एक साथ पूरा दिन हमारा निकल जाता था सिर्फ प्रमोशंस में सो जब मैंने वो सब देखी और मैं पहले बहुत सहमी सी रहती थी अभी भी कहीं ना कहीं रहती हूँ बट अभी आदत हो गई है नाउ यू गेट कॉन्फिडेंट इन एट सम ऑर द अदर पॉइंट इन लाइफ आफ्टर फेसिंग सच थिंग्स इन लाइफ So, interviews देख के ये सब चीजें इवन एज एन एक्टर व्हेन आई यूज्ड टू शूट
मैं सेट पे भी बहुत घबरा जाती थी इतने सारे लोगों के बीच शूट करना. दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बट जब सब ने इतना प्यार से रखा है, एज अ फैमिली वी वर्क्ड टुगेदर, सो दैट वाज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एंड प्रेशियस आई कैन से. कि सब ने इतना प्यार दिया है कि आई कैन नॉट इमेजिन कि मेरे को कभी एज एन एक्टर, मेरा पहला शो है और मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, जिसने मुझे चीयर अप किया, जिसने मुझे जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलती थी इनडायरेक्टली. राइट. सो दैट गो माई वे. सो इसलिए मुझे इतना कभी नहीं हुआ, बट इट हैज बीन डिफिकल्ट एंड आई एम स्टिल लर्निंग. एंड यू नो, बात करें अगर राधा कृष्ण शो की, हर कोई जब शो में पहली बार काम करता है या कोई शो बनाता है, वो उम्मीद यही करता है कि शो सबको पसंद आए. बट राधा कृष्ण को जितना लव मिला है, जितना प्यार अप्रिसिएशन मिला है फैन से और लोगों से, हाउ हैज योर लाइफ चेंज पोस्ट राधा कृष्ण? काफी चेंज हो गई है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो किरदार निभाऊंगी भी या कभी टीवी पे दिखूंगी भी. और मेरा पहला ही शो है एंड पीपल आर लविंग मी सो मच एंड आई एम गेटिंग सो मच लव एंड अप्रिसिएशन, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. लाइक पीपल नो यू बाय योर नेम, दैट्स अ ग्रेट थिंग. कि मैं इसको इतना वो करके नहीं बता सकती, बट इट्स जस्ट द जॉय एंड इट हैज नो वर्ड, ओवरवेलमिंग. सो बहुत अजीब सा, लाइक अजीब नहीं कह सकते, रॉन्ग वर्ड, बट बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है. ये खुशी ही अलग है. जब आप इतनी वहां से आप यहाँ आते हो, इतनी चीजें आपने देखी, इतने सिचुएशंस, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं, देन एक टाइम के बाद सब वर्थ होता है. सो इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबको. और आसपास में कितना यू नो रिलेटिव्स के रिलेटिव्स का आउटलुक टुवर्ड्स यू, फ्रेंड्स का आउटलुक टुवर्ड्स यू, फैमिली का यू नो वो कितना चेंज हुआ है जब शो को पॉपुलैरिटी मिल गई, लोग आपको आपके नाम से जानने लगे, चाहे छोटे शहरों में हो चाहे यू नो बड़ी जगहों पे हो? सब लोग बहुत खुश थे. मैं जब शो शुरू हुआ है उसके बाद तो मेरा ज्यादा किसी से मिलना हुआ नहीं एक्सेप्ट माय फैमिली. जो बीच में छुट्टी मिलती थी तो आई यूज्ड टू विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स जो बॉम्बे में ही रहते, तो वो काफी खुश थे. उनका भी सपना था कि वो कभी मुझे देखें ऐसे. सो उनके पहली बार जब उन्होंने टीवी पे देखा था, उनके लिए भी बहुत इमोशनल टाइम था वो. कि फाइनली रहा था वो हुआ. और मैं बीच बीच में उनसे हमेशा मिल नहीं पाती थी. जब छुट्टी होती थी तो मेरे को मौका मिलता था, मैं चली जाती थी. बट आज 2 साल हो गए हैं मैं जिनके साथ, मैं बचपन से जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, आज उनके साथ नहीं रह रही. और सडनली चेंज हो जाती है बोथ द वेज. लाइक अभी इतना कुछ वो खुश हैं, काफ़ी खुश हैं. मेरी मॉम काफ़ी खुश है, मेरे साथ रह रही हैं. रिलेटिव्स भी, जिन जिन से बात होती है, माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी इज हैप्पी, लाइक वेरी हैप्पी. बचपन से लेकर अब तक मैं तो बहुत चेंज हो चुके हैं. मेरे को कभी डॉक्टर भी बनना था, मुझे कभी स्पोर्ट्स में जाना था, कभी मेरे को आर्ट बहुत पसंद था, डांस का मुझे बहुत क्रेज था. देन सडनली मुझे एक्टिंग का था, तो मैंने काफ़ी आसानी से, तो नहीं ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज टू स्ट्रगल हार्ड. सो फाइनली एक्टिंग में मिल गया, हो गया मेरा शूट. इतना बड़ा मिला है वो भी राधा कृष्ण, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, द होल टीम, कास्ट अस. जैसे आपने कहा यू नो कि जर्नी ऑब्वियसली बात है स्मूथ नहीं रही है, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, यू नो डिड यू हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, एंड इफ यस, हैज द रिजेक्शंस मेड यू अ स्ट्रांग पर्सन? Actually, no. Rejections, yes, I do have faced, but itna nahin. Like, I have seen the journeys of other people too, and I feel blessed ki mujhe itni jaldi mil gaya, ki maine bhi nahin socha tha. It's all about belief and having faith.
और यू हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जो कि मेरा आज जाके कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि आया है, वरना मेरे पास नहीं था इवन व्हाइल आई स्टार्टेड शूटिंग. सो पहले काफ़ी चीज़ें थी. एकदम से जम्मू में मैं पढ़ रही हूँ, 8th स्टैंडर्ड में मैंने सब छोड़ दिया जम्मू में. फिर सडनली आई शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड आई स्टार्टेड माई एजुकेशन 9th स्टैंडर्ड से. तो काफ़ी माहौल अलग है, दोस्त छूट गए एंड 3 महीने एडजस्ट होने में मुझे बहुत टाइम लगा था. देन धीरे धीरे एडजस्ट हुई. फिर मेरे किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मैंने ऑडिशन दिया पहली बार लाइफ का. एक्टिंग का मुझे कुछ नहीं आता था, सो वहाँ पर मैंने ऑडिशन दिया. वहाँ पर भी होते हैं रिजेक्शंस हुए. उसके बाद आई केम अक्रॉस स्वस्तिक आया मेरी लाइफ में. सो उन्होंने वहाँ पर मैंने राधा कृष्ण का दिया. आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन दिस शो. So that was a great thing for me. काफी बहुत लंबी story है, काफी लंबी journey है. You know, एक normal show करने में और एक mythological show करने में आपको क्या लगता है कि कितना difference का है, कितनी आसान journey होती है, कितनी मुश्किलें आती हैं? Actually, जब मैं non actor थी, जब मेरे को पता नहीं था, then मुझे लगता था कि social shows ज़्यादा easy होते हैं. But आज की date में जब मैं mytho कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं, जब मैं कल को सोशल करूंगी तो देन आई कैन डिफरेंशिएट व्हिच वन इज मोर हार्डर एंड व्हिच वन इज इजियर. बट आई थिंक सब में मेहनत है. माइथो में कॉस्ट्यूम्स ऐसे होते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है. सोशल में और अलग चीजें होती होंगी. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट, बट वंस आई डू आई विल श्योरली लेट यू नो दैट. बट यू नो, अगर माइथो जब हम करते हैं, जैसे आपने बोला कॉस्ट्यूम ड्रामा है, तो आपको यू नो घंटों कॉस्ट्यूम में रहना पड़ता है, लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना पड़ता है, तो आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट रहा है? बहुत डिफिकल्ट रहा है. हमें वर्कशॉप्स दी जाती थी हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए. घंटों घंटों हमारे मुँह में पेन या पेंसिल रखना और शुद्ध हिंदी दे देनी बुक, उसको पेन रख के जब तक वो क्लियर नहीं बोल लेते हम पेन रख के, तब तक हमें वो एक्सरसाइज होती थी. बाद में हम उसको इतना फ्लुएंटली पढ़ते थे, देन वी यूज टू रियलाइज कि अच्छा ये इसके लिए है, इससे हमारी वो बोलने का तरीका हर चीज़ इम्प्रूव होती है. सो वो छोटी छोटी एक्सरसाइज आज हमारी बहुत काम आती है. तब समझ में नहीं आता था कि कितना क्या ऐसा करवा रहे, इसमें तो एक्टिंग कहीं है ही नहीं. वो हर एक चीज एक्टिंग से जुड़ी थी जो जो हमें वर्कशॉप्स दी. ये राधा का कैरेक्टर करने के बाद आप में कितना बदलाव आया है? Have you become more inclined toward, you know, spirituality? आप ज़्यादा books पढ़ने लगे हैं, you know, God में ज़्यादा believe करने लगे, क्या changes आया? ये personally मुझ में, मैं I was 15 when I auditioned for Radha and now I'm 19. So it's a great big journey for me कि मैंने वो मासूमियत राधा की, लाइक एक राधा का जो सफ़र रहा है ना, वही एक अपने आप में ही बहुत बड़ी मतलब एक सीख देता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को. लाइक इट्स अ वेरी टफ जर्नी फॉर हर कि इतने सैक्रिफाइसेस राधा ने किए, किस किस पड़ाव से वो गुजरे हैं और उन्होंने आज की डेट में वो कैसी हैं, कब वो उस चेहरे पे कभी मासूमियत हुआ करती थी, आज इतनी मैच्योर दिखाना उसको काफ़ी डिफिकल्ट था. एंड बीच में से सीन्स आने जो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, कनेक्ट करती तो थी बट उससे फिर बाहर नहीं निकल पाती थी. एंड आई यूज टू बी स्केर्ड कि कनेक्ट करने से, बिकॉज दैट वॉज टू इमोशनल फॉर मी. वही वो जो ये पूरी जर्नी रही है उसी ने इतना कुछ सिखाया है मुझे. नहीं आई थिंक इवन सुमेध को या हर किसी को जो इस शो में प्ले कर रहे हैं, like the patience, the level of patience and grace and everything, like there's so many things. So hum to kafi kuch seekh rahe hain. Bahut bada kirdar hai. You know, Radha aur Krishna, bhale hi hum Laila Majnu, Heer Ranjha, you know, sabki baat kar le, lekin Radha Krishna ka ek pyar aisa hai, you know, har koi manta hai aur
राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है. तो ये कैरेक्टर प्ले करने के बाद, ये स्टोरी को समझने के बाद, यू नो उनकी सैक्रिफाइसेस, उनकी लव स्टोरी को जानने के बाद, व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट लव? अगर आप डिफाइन करोगे लव को तो आप कैसे करोगे? मैं बस इतना समझी हूँ इस पूरी जर्नी में दैट लव इज अनकंडीशनल. लाइक निस्वार्थ प्रेम ही एक मेन मोटिव था समझाने का कि फिजिकली राधा एंड कृष्ण आर नॉट देयर विद ईच अदर, बट जो दूर रह के जो उनका अटूट जो प्रेम है, जो बॉन्ड है, वही अपने आप में सब कुछ है. और जो इनका टाइटल जो बताया गया है, पानी को ही प्रेम करे जबकि ये है प्रेम, अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत, और जिस तरह से इन्होंने वो जर्नी को दर्शाया है, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली मेड. कितनी काफी मेहनत लगी है यार. लाइक आई कैन नॉट इमेजिन इस लेवल की क्रिएटिविटी, उस लेवल का विजन जो सिद्धार्थ सर का है. बहुत हमें 2 साल लग गए उनका एक छोटा सा पहला स्टेज शायद समझने को. सो उनकी कितनी दूर की सोच है एंड हाउ ही क्रिएटेड सच अ वंडरफुल सीरीज, इट्स बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. नो Also, you know, बीच में rumors आए थे that you guys are seeing each other and then, you know, उसमें आप दोनों ने, you know, ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, आप लोगों ने बोला कि you are, you know, friends, just good friends. तो वो बात कितनी सच थी या वो कहाँ तक सही है बातें? ऐसा कुछ नहीं है, we are very good friends और I don't prefer to answer any personal questions right now.